महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गठबंधन दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी है। राज्य में एनडीए यानी महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अधिक सीटों की उम्मीद जताते हुए महायुति की टेंशन बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ महायुति में शामिल उनकी पार्टी को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गठबंधन दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी है। राज्य में एनडीए यानी महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अधिक सीटों की उम्मीद जताते हुए महायुति की टेंशन बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ महायुति में शामिल उनकी पार्टी को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए।